रामलीला भाग ले तू खा जाएगा लिपस्टिक ही खा लेगा पागल हो रहने 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 दे हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग अब बज रहे हैं सुबह के 6 हम सब सोकर उठ गए हैं अब है चाय का टाइम आप बनकर आइए हमारी चाय अभी मम्मी सबके लिए चाय कर रही हैं और आज थोड़ा वर्क काम कर लिया क्योंकि आज हमारे घर श्राद्ध हमारी दादी का श्राद्ध है आज तो इस वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ा है पहले पीते हैं चाय उसके बाद बाकी के काम करते हैं और हमारे पास ही बैठा है हमारा शेरू सुबह सुबह इसको लग रही है भूख देखिए फ्रेंड्स मैंने हाल ही मैंने पूजा ने एक चल रही है खाने की तैयारी बस सब्जी बनने वाली है सब्जी की मतलब तैयारी हो रही है अभी सब्जी बनाएंगे और अभी उसके बाद मैं पीती हूँ पूजा करने के बाद पीती हूँ चाय और श्राद्ध की करते तैयारी क्योंकि बच्चे भी आ जाएंगे जल्दी से खाना खाने के लिए तो इस वजह से पहले करते हैं श्राद्ध की तैयारी फिर देखते हैं चाय पीना है वैसे तो मैं पूजा करूंगी पूजा के बाद चाय पीनी है बाकी सब काम हो गया है अभी बज रहे हैं केवल सुबह के 8:30 का भी काम कर चुके हैं हम लोग अब मैंने कर ली है पूजा और पूजा के बाद पी रही हूँ मैं चाय देखो जो अम्मा आनी थी ना मतलब आज श्राद्ध है और तो वो अम्मा आ गई हैं बस खाने की हो रही है तैयारी और देखिए अंश भी दर्श हो गया है शेरू भी दर्श हो रहा है और राहुल अपने घर से निकल आया है लव आने वाला है बस आ जाए तो बस खाना मतलब शुरू कर देंगे बस मंदिर का थाल निकल रहा है पहले मंदिर खाना जाएगा फिर अम्मा को खाना दिया जाएगा और ये मैंने मेहंदी लगाई थी कुछ बाल ना थोड़े अकड़े अकड़े से हो गए तो मैं सोची थोड़े बालों को कंघी कर लूँ पर ये है ना कि श्राद्ध नहीं होता तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा काम नहीं होता है पहले श्राद्ध हो जाए उसके बाद में मैं अपने बालों को कंघी करूँगी आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है ठंडी ठंडी हवा चल रही है मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है गर्मी नहीं है गर्मी कहीं से नहीं थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था किचन में काम करने में बहुत ज़्यादा चले गर्म लग रहा था आज हो सकता है कि बारिश भी आ सकती है अभी यहाँ सो रहा था अब जग गया है अब लेकर जाती हूँ उसको भी ऊपर वाले कमरे में चलो गुड मॉर्निंग बुआ इधर मम्मी पूड़ियाँ बना रही हैं और राहुल और ऋषभ भी आ गए हैं राहुल बस बन रहा है खाना हो गया होगा दूध गर्म बाबा तो क्या आता बाबा खाने में है रायता बूंदी का रायता मटर पनीर की सब्जी दही वाली अरबी और ये आलू टमाटर की सब्जी अरबी और साथ में बनाया है मूली का जीरा जो मूली कस करके बनाया जाता है गाइस मंदिर का खाना लग चुका है और बड़े भैया जा रहे हैं खाना देने मंदिर खाने में क्या क्या है मंदिर के में और भैया और राहुल में डिस्कशन चल रहा है मंदिर भैया के साथ कौन जाएगा गली में जाते बंदर और खाना सही नहीं है बंदर गिरा देंगे और गाइस पूरी की पूरी इमरती राहुल के पास ये पूरी इमरती लेके जाएगा खाएगा और भाई साहब तू कितना खाएगा देख बूरा भी है इमरती भी है कितना मीठा खाएगा इमरती बेचने का भाई पूरा का पूरा गुजराती हो रहा है मारवाड़ी हो रहे हो कतई अब मैं भैया जा रहा हूँ मंदिर खाना देने चलते हैं मंदिर गाइस आगे मंदिर अम्मा राम राम कितना बड़ा मंदिर मेरे पास
क्या हो रहा है दादा? और गाइस बाहर देखिए बारिश आ रही है, आज कहीं जाने वाले थे पता है आपको, अब बारिश आ गई तो कहीं कैसे चले जाएंगे? देखते हैं तो शाम भी बहुत लंबी है। हाँ बारिश अगर बंद होगी तो वहाँ अच्छा रहेगा। शाम भी तो आने दे। यस राइट। माँ के लिए खाना। डैडी खा लोगे आराम से नीचे बैठवाऊँ? खा लेंगे उसे। ये चल क्या रहा है? ये क्या चल रहा है? बैठ, सिट डाउन, शेरू, सिट डाउन, इधर आ, मेरे पास आ, उधर नहीं, सिट डाउन, बड़ा प्यारा बच्चा, नहीं जाएगा तू उधर नहीं जाएगा, एकदम मासूम बन के बैठा है, मैं इतना इनोसेंट सा बच्चा हूँ, बैठ जा, बैठ जा। क्या हो गया? तेरे को कुछ खाना है? ये बता क्या खाएगा तू? शेरू, मैं देख रही हूँ तेरे से बात नहीं करूंगा मैं तेरे से। दया ऐसे घूमना है, उसे खाने के लिए चाहिए कुछ। गाइस अभी चलते हैं बाबा के लिए खाना लेके। ये कटोरी ग्लास ये भी उठा लिया, आ जा। एक बाबा को खाना देने, एक दो और तीसरा में। लगाना है कृपया करके तुम दोनों यहाँ पे कूड़ा मत करना। तीन कूड़ा ना करे। बलून छोड़ो। एक एक बलून सब ले लो। बलून छोड़ो। अम्मा ने खाना खा लिया है, अम्मा को दान दक्षिणा दे रही है। ये रहा हमारा फोटोग्राफर और लाइट भी इधर बैठा है। चलो सब पैर छुओ, हम आगे पैर छुओ, चल दूसरा पैर छुओ, मगे शेरू मगे पैर छुएगा, हमारे मामा के बच्चा है, चल खेलो अम्मा की गोदी में खेलो। अम्मा कहाँ है अम्मा? कैसे कहना चाहता है? बस हाँ निकाल दो ना पहला शब्द बुआ। 400, 100, 200, 300, 400, 500, 600। और यहाँ लग रहा है खाना, ये बच्चे बैठ गए खाना खाने के लिए, और यहाँ पर चल रही है चैलेंज की बात। अब ये बताओ किस चीज का चैलेंज हो रहा है? ना 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 ना
नहीं खाता तो जबरदस्त नहीं नहीं मम्मी नहीं खाता नहीं उसे अच्छी लगती तो फ्रेंड्स ओ सॉरी लव नहीं खाता है लव नहीं खाता है अरबी तो चैलेंज रखा गया राहुल ने चैलेंज रखा है अरबी रखने के लिए और मम्मी ने इसको थोड़ी सी अरबी रखी है देखते हैं खाएगा या नहीं खाएगा ये अभी एंड तक मिलेगी ये अभी एंड तक मिलेगी मुझे पता तू नहीं खाएगा और बाकी के ये लोग बैठ गए खाना खाने के लिए तू भाई कर प्लीज कर पैर पकड़ हाथ पूछ कछु कर ले मैं खाऊंगा नहीं बिल्कुल नहीं खाऊंगा इन लोगों ने कर दिया खाना स्टार्ट ये हमारा जीरा है ये मूली का जीरा बनाया हाँ और क्या अब ये बताओ सब्जी कैसी बनी है राहुल राहुल देख सुहानी सब्जी में नमक कैसा है ऋषभ क्या खा रहा है फिर क्या खा रहा है इतनी देर से किसकी आलू की दाल की हेलो मेरा तो तुझे टेस्ट नहीं मालूम पड़ता है नाम रखा है राहुल इसमें कुछ कहना चाहोगे पहुंचा की टी शर्ट बोला है तुम्हें क्या जा रहा खाया तूने खाना रामीला भाग ले तू और गाइस हमारे खाना खाने के बाद राहुल अपने अपने प्रोफेशनल काम पे आता हुआ डेकोरेशन और पर्स वाइन और पर्स वाइन मतलब शादी के जितने काम होता है सब हमारे प्रोफेशनल काम है कितना कमा लेते हो महीने कमा लेते 3-4 लाख नाम तो कमाई लेते कुछ कमाओ मत कमाओ राहुल देख राहुल कितना कमा लेते हो कमा लेते महीने के 3-4 लाख चलिए खाना स्टार्ट कीजिए खाना प्रारंभ किया जाए शर्माना बिल्कुल मत दवा के खाना यार दवा के खाने पेट हो गए खाने शर्माना कोई शर्माना नहीं अब नहीं घर समझे खाना पराया मत समझना पराया और ज्यादा खाने पर अच्छी सही है यार ये देखो गाइस मुझे सीखिए दावतों में जाके कैसे खाना खाते हैं एक बार हमारी दीदी आपको ट्रेनिंग देंगी बिन बुलाए दावत में खाना खाना लोगों ने खा लिया खाना मम्मी खाना कैसे है अच्छा खाना वाले बैठे हो गए फ्री जब माँ जी यहीं थी अभी वो यहीं पर है क्योंकि अभी उनको घर जाना है थोड़ी देर में उनको सोने के लिए जाना पड़ेगा देखते हैं कौन जाएगा लव राहुल आए थे वो अपने अपने घर चले गए अभी एक घंटे बाद आएगी क्योंकि हम लोगों का प्लान है कहीं जाने का हो सकता है आज हम आ जाए राम राम इधर शिवानी भी आज वापस जा रही है अपने घर अपने रूम पर कई दिनों से यहाँ पर थी बाय बाय शिवानी हम लोग आ गए हैं छत पर आज काफी टाइम बाद आए हैं हम लोग छत पर घूमने के लिए काफी अच्छा मौसम हो रहा है और आज भी ऋषभ मेरे साथ है ये रहा ऋषभ और साथ में है शेरू और काफी टाइम बाद आए हैं हम लोग क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी मौसम भी काफी अच्छा है और जो शिवानी आई थी आज शिवानी भी पापा चली गई है और इसके बाद में अम्मा आई थी अम्मा को भी घर पर पहुंचा दिया हम लोगों ने शिवानी को काफी रोका रुकी नहीं आज क्योंकि कल से उसकी कोचिंग स्टार्ट है शिवानी भी चलेगी बाकी आज मैं ही रह गई हूँ ऋषभ भी थोड़ी देर में घर चला जाएगा कहाँ है वो आ रही कौन है शेरू बंदर है रहने दे खाना खा रहा चलो खाने दे कोई बात नहीं चलो चलो दर
ऋषभ ऐसा मौसम हो रहा है, ऐसे बारिश आ जाएगी फिर से, है ना? फिर से बारिश आ सकती है ना? शेरू को देखो चारों तरफ से देखते जा रहा, देखते जा रहा है। चलो देख बंदर, इधर देख, इधर शेरू, इधर बंदर, ये रहा बंदर। और अब है शाम की चाय का टाइम, अभी बना रही है चाय, अभी जाएंगे हम लोग तो चाय पियेंगे। और हम चलते हैं नीचे क्योंकि चाय बन गई है, काफी लेट हो गया है, पूजा का टाइम भी हो गया है, और अब चाय पियेंगे। और देखिए ऋषभ लगा रहा है शेरू को काजल, पागलों से तो मजे आ रहे हैं। ए, सेरू है, सेरी नहीं है पागल। लाली पिस्ती की भी लगा। खा जाएगा लिपस्टिक ही, खा लेगा पागल हो। लग गई, रहने रहने दे, रहने दे। रुक, चाटी का लगवा रहा शेरू, क्या लिपस्टिक लगा रहा था? लिपस्टिक है, काला टीका लगा दे रहा नजर के लिए, कल नजर लग जाए हमारे शेरू की। तो पागल उसके तो पहले से ही काले हैं, ठीक है, बहुत सारी लग रहा है चेहरे पर काले काले हैं, मुंह भी कितना काला है। यहाँ तो लगा रहा है इसके नीचे ही काला बन रहा है, एक नजर ना लग जाएगी हमारे शेरू को। पागल ने कितनी लगा रखी है ना, ये चढ़ने वरने की वजह से हो जाता दिखा शायद, सरकता है, भागेगा तो सरकेगा एक सब। और काफी अंधेरा हो गया है गाइस, इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।